हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शेफ दीपक गौतम आज आपके लिए लेके आया हूँ नॉर्थ इंडिया की बहुत ही फेमस रेसिपी, जिसका नाम है कश्मीरी दम आलू। इसके लिए हमें चाहिए होगा लौंग, हींग, जीरा, हल्दी, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ का पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर, टमाटो प्यूरी, दही और छोटे बेबी पोटैटो। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, लगभग 4 से 5 टीस्पून। और जब तक ये तेल गर्म हो रहा है, हम आलू उनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए हमें आलू को फ्राई करना होगा। उसके लिए हम आलू में छेद करेंगे इस तरह से। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा लगभग 1/2 टीस्पून, 2 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। जब तक ये भुन रहे हैं, आलू को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे मसाले जो हमने इसमें डाले थे, ये अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी लगभग 1/4 टीस्पून, धनिया लगभग 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च लगभग 1/2 टीस्पून, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी और हम इसको अभी उबलने देंगे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका तेल बाहर नहीं आ जाए। अभी देखिए, तेल ऊपर आना शुरू हो गया है इसमें धीरे धीरे। इस टाइम हम इसमें डालेंगे हींग लगभग 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे दही, इसको पकने देंगे थोड़ा सा। और इसके बीच हम आलू चेक कर लेते हैं, हमारे आलू भी हो रहे हैं। ये देखिए, इसमें तेल ऊपर आ चुका है, तो हम इसमें अब टमाटो प्यूरी डालेंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे खाने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो कि है नमक। हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है इसकी, तो अब हम इन आलुओं को इस ग्रेवी में डालेंगे। इसको ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालें, 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएं। और जब तक ये पक रहा है, हम इसके लिए थोड़ी सी गार्निश तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक अनियन, बहुत ही बढ़िया खुशबू। हमारा कश्मीरी दम आलू अब तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसको सर्व करने की। ये रेडी है, अब हम इसे करेंगे गार्निश। लीजिए, तैयार है आपका कश्मीरी दम आलू। बहुत ही स्वादिष्ट, खाइए खिलाइए, पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। अगली बार फिर हाजिर होता हूँ आपके साथ नई नॉर्थ इंडियन डिश लेके। तब तक के लिए नमस्कार।